हमारा टॉपिक भारत का अफवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, पंचनद में शामिल नदियां हैं। तो पंचनद में जो शामिल नदियां हैं वो है झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज। झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है उसके चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है सोन, दूसरा यमुना, तीसरा नर्मदा, चौथा है लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसके साथ एक नदी और भ्रंश घाटी में बहती है, उसका नाम है तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है देवप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम जब गंगोत्री से होता है तो उसे भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अनुसार उनका अवरोही क्रम, मतलब नदियों की लंबाई के अनुसार आपको उनको बड़े से छोटे क्रम में जमाना है। तो देखिए, गोदावरी नदी की लंबाई इन दी गई नदियों में सबसे अधिक है। पहले गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी और फिर तापी। तो ये नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र में। त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो उत्तर है चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचनद नदियाँ किस स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है? तो पंचनद की जो नदियाँ थी झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलुज, वो किस स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है? तो इसका उत्तर है मीथन कोट, पाकिस्तान। मीथन कोट पाकिस्तान में ये सिंधु नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम स्थल है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल है राक्षस ताल झील, तिब्बत। राक्षस ताल झील, तिब्बत। तिब्बत भारत में बहते हुए ये नदी पाकिस्तान में मीथन कोट नामक स्थान पे सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में गंगा के साथ मिल जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब पद्मा में मेघना नदी की धारा मिलती है तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख नदी द्रोणी अवरोही क्रम में, प्रमुख नदियां दे रखी है उनकी द्रोणी को घटते हुए क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ी द्रोणी है गंगा की, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी और उसके बाद कृष्णा। गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीप, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो सबसे लंबी है और पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है? तो उसका उत्तर भी होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर है रावी नदी। रावी नदी चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है।
कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर है पेरियार। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। जब हमने नोट्स में आपको बताया था, उस टाइम भरत पूजा बता दिया था, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में हमने उसे सही कर दिया है। भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, परंतु अगर प्रश्न पूछा जाता है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर होगा पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि या बीहड़ स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा इसका चंबल नदी। कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि या बीहड़ स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, तो बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है जल संभर। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है जल संभर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है आपको। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास और उसके बाद है सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है यमुना नदी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। इस परियोजना को लेकर काफ़ी विवाद भी चलता रहा है, मेधा पाटकर इसी आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी साल भर क्यों बहती है? क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से जल प्राप्त होता है, इसलिए कावेरी नदी साल भर बहती है। कावेरी नदी साल भर क्यों बहती है? क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से जल प्राप्त होता है। तो ये भारत के अफवाह तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसे हमने हल किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस PPT की PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।